चलो आज अखिल भारतीय दांगी प्रवाह परिवार के द्वारा लाइव कार्यक्रम रखा गया और मुझे इसमें आज अवसर दिया इस दांगी परिवार ने। मैं सभी दांगी समाज के बंधुओं को जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो भी जुड़े हैं उन सबको मेरी ओर से प्रणाम करता हूं। सभी सामाजिक बंधुओं को सभी साथियों को नमस्कार। साथियों आज हम ऐसी व्यवस्था के माध्यम से सब आपस में जुड़ रहे हैं और मैं इस अवसर पर समाज के बंधुओं से यही अपील करना चाहूँगा कि हम समाज को कैसे आगे ले जाएं, समाज को कैसे आगे बढ़ाएं और समाज की कैसे अन्य समाजों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, इन सब बातों पे हम लोगों को विचार करने की आज आवश्यकता है। समाज में हम सबको एक सकारात्मक विचार के साथ काम करने की आवश्यकता है। नकारात्मक बातें चाहे किसी भी क्षेत्र की हो उनसे हम दूर रहें, दूर रहने का प्रयास करें। हमारे परिवार में भी, हमारे समाज में भी और हमारे सभी साथियों में एक सकारात्मक विचार सकारात्मकता के साथ हम सब लोग काम करें, ऐसा हमारा ये प्रयास होना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को शिक्षा के महत्व को भी समझना चाहिए। शिक्षा हर समाज के लिए, हर परिवार के लिए, हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। और आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। चाहे शिक्षित व्यक्ति को, हर व्यक्ति को नौकरी ना मिले, लेकिन यदि वो शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से वो हर क्षेत्र में तरक्की कर पाएगा, चाहे परिवार में हो, खेती के मामले में हो, व्यवसायिक हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो। जहाँ भी यदि शिक्षित व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से एक अशिक्षित व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर तरीके सोचेगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अच्छे परिणाम दे सकते हैं। एक अच्छी सोच के साथ हम अच्छा काम कर सकते हैं। तीसरा ही बिंदु और मुझे याद आ रहा कि हमें समाज में, परिवार में हमारे समाज के बुजुर्गों से भी सीख हासिल करना चाहिए। आमतौर पर हम लोगों में सोच का अंतर होने पर नौजवान पीढ़ी बुजुर्गों के कई बार अनदेखी कर देती, ये एक ठीक बात नहीं है। बुजुर्ग हमारे समाज में कई वर्षों का उनके जीवन में अनुभव होता है और एक तरीके से हमारे लिए बुजुर्ग एक डिक्शनरी के समान है। जिस तरीके के लिए डिक्शनरी के रूप में हम लोग उनका उपयोग कर सकते हैं, उनके पास वर्षों का एक व्यवहारिक अनुभव होता है, वो हमारे लिए पूंजी के समान है। उनका भी हमें अपने परिवार में, समाज में हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों से सीखना चाहिए। कई अवसर ऐसे आते हैं जब हमारे विचार अवरोध मत विरोध हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उनको सम्मान करके उनके प्रति विनम्रता और सम्मान का भाव हम लोगों को रखना चाहिए। वो तो हमारी एक पूंजी, एक सम्मानी व्यक्ति है, इसलिए उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
और उसे सीख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं के लिए मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा, युवा संस्कारों को बनाए रखें, युवाओं में संस्कार होना चाहिए। हमारे परिवार में हमारे साथियों से हमारे अच्छे जो लोग हैं जिनसे हम अच्छे संस्कार सीख सकते हैं उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आधुनिकता को नई पीढ़ी आसानी से ग्रहण कर ली है, लेकिन सतर्कता इस बात की जरूरी है कि आधुनिकता की दौड़ में हमारे संस्कार पीछे न रह जाए। इस बात का भी हम लोगों को समझना चाहिए, नहीं तो वरना इसका नुकसान निश्चित रूप से हम लोगों को उठाना पड़ सकता है। व्यक्ति यदि संस्कारों को भूलेगा तो निश्चित रूप से हमें परिवार में समाज में दोष पैदा हो सकता है। मैं ही मानता हूँ आधुनिकता समय की आवश्यकता है, आवश्यकता के हिसाब से हम लोगों को जितनी आधुनिकता की आवश्यकता उतना हम लोगों को संस्कार भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि संस्कार हम लोगों को अच्छा रास्ता दिखाता है, अच्छा हमारा हमें एक मौका मिल देता है। इसलिए हम सब लोगों को इन ऐसी बातों पर लगातार अच्छे सोच के साथ काम करते रहना चाहिए। मैं इस अवसर पर ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में युवा जनमत में किसी राय बनाने में बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। आज का युवा, चूंकि आज हर समाज में देश में युवाओं की एक बहुत बड़ी ताकत है, युवा बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा युवा पढ़ा लिखा है और वो इस समय अभी जनमत बनाने में बड़ी बड़ी ताकत रखता है, ये बात सही है, लेकिन हमें सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम हो सकता है, इसका उपयोग अपने और हमारे सर समाज देश राष्ट्र हित में हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा मानता हूँ, ना कि किसी वैमनस्य विद्वेष वैमनस्यता फैलाने के प्रचार प्रसार में हो। ऐसा नौजवान से मेरी अपील है, हम ऐसा प्रयास करें कि हम इसका प्रचार प्रसार पॉजिटिव सोच के साथ समाज के लिए राष्ट्र के लिए हमारे साथियों को हमारे नौजवान युवाओं को इसके लिए प्रेरित करें, ताकि हम एक अच्छे सकारात्मक सोच के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करके अच्छे हम काम कर सकें। मैं समाज में इस अवसर पर समाज के लोगों से ये भी अपील करूँगा, हम समाज के लोगों को समाज के लिए और क्या अच्छे काम हो सकते हैं, समाज के क्या किस तरीके से तरक्की हो सकती है, समाज की कैसे बेहतरी हो सके, इसके लिए हम लोगों को लगातार समाज के बंधु को प्रयास करना चाहिए।
वैसे हमारे समाज के सभी लोग निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं और हमें सफलता भी मिल रही। हमारे समाज में हम सब लोगों ने ये प्रयास किया है कि नुक्ता प्रथा बंद हो, बाल विवाह बंद हो और शिक्षा की तरफ ज्यादा प्रयास हो। निश्चित रूप से हम सब लोगों को इसमें काफी सफलता मिली है। हमारे यहाँ नुक्ता प्रथा पूरी तरह राजगढ़ जिले में हम लोगों ने कई वर्षों से प्रयास किए हैं कि ये कम हो और निश्चित रूप से हम लोगों को इसमें सफलता मिल रही है कि ये काफी हद तक कम हुए हैं। और अभी वर्तमान में तो ये जो समय चल रहा है, जो आपदा का समय है, इसमें तो पूरी तरह समय नहीं, परिस्थितियों ने हम लोगों को इसमें लिए व्यवस्था कर दिया कि हम लोग ऐसे बड़े आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। इस समय की ऐसी परिस्थितियां बनी तो ये प्रकृति भी खुद चाहती है कि इस तरह की व्यवस्था है, इस तरीके के काम किसी भी समाज में नहीं होना चाहिए। और आज काफी हद तक लोगों को इसमें सफलता मिली। खर्चीली शादियां हम लोग नहीं करें, आज इस आपदा के समय में वास्तव में ये शादियां भी नहीं हो पा रही। और ये समय की भी मांग है और मेरा भी ये मत है कि निश्चित रूप से हम समाज में अनावश्यक जो खर्चे हैं, चाहे नुक्ते के हों, शादियों के हैं या और भी फिजूल खर्चे जो अनावश्यक हैं, उन सब खर्चों को कम करके हम अपनी स्वयं खर्च कम करें और हम एक इन पैसों का सदुपयोग करें। उन पैसों से हम लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर, बालिका की शिक्षा पर जोर दें ताकि एक हमारा एक अच्छा परिवार, शिक्षित परिवार बन सके, एक अच्छा हमारा समाज बन सके और एक अच्छा समाज बना करके हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। ताकि ये तभी संभव है जब हम लोग हमारे फिजूल खर्चे बंद करेंगे। और निश्चित रूप से लोग इस बार धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। हम पैसे का बर्बादी को रोकेंगे तो अच्छे से रह सकते हैं, अच्छा मकान बना के रहें। और एक पैसा होता है तो निश्चित रूप से एक अच्छी सोच के साथ व्यक्ति काम करता है, अच्छे व्यापार हम कर सकते हैं, अच्छी खेती हम कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम हम अच्छा कर सकते हैं। तरक्की के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को पैसा बचाने की आवश्यकता है, तभी हम लोग समाज में, परिवार में तरक्की कर पाएंगे। मैं एक उदाहरण दूंगा कि ब्यावरा में हम लोगों ने, समाज के लोगों ने, खास करके हमारे कर्मचारी साथियों ने, भाइयों ने और समाज के अन्य लोगों ने बालिकाओं की छात्रावास के लिए एक काफी बड़ा हॉस्टल, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, उनके रहने के लिए एक काफी बड़ा हॉस्टल का हम लोगों ने निर्माण किया है और जिसमें समाज के कर्मचारी साथियों ने, समाज के और भी अन्य लोगों ने लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा करके 100 बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया। ये एक उदाहरण हमारे लिए है। इस तरीके के सकारात्मक कार्यक्रम हम समाज के लोगों को करना चाहिए। हम अभी से प्रयास करेंगे समाज के लिए तब जाकर के हम समाज में उन्नति कर पाएंगे। हमें हर पहलू पे समाज के लिए क्या क्या अच्छे काम हम कर सकते हैं, उन सब प्रयासों को हम सबको मिलजुल करके
करना चाहिए। हम ये नहीं सोचे कि हम ये करेंगे तब जाकर के कब समाज का भला होगा, हम शुरू से पहले से ही प्रयास करेंगे तभी जाके धीरे धीरे हम लोगों को सफलता मिलेगी। मैंने पहले भी कहा कि समाज में हम लोगों ने बहुत पहले नुक्ता के लिए, बाल विवाह के लिए और भी जो हमारी समाज में कुरीतियां थी बहुत सारी, हम सब ने बहुत कई वर्षों पहले हमारे समाज के पुरुषजनों ने, बुजुर्गों ने जो प्रयास किए हैं, मैंने स्वयं ने भी अपने लाइफ में देखा है कि उन सबका परिणाम धीरे धीरे अब लोगों को मिला। और मैं कह सकता हूँ कि दांगी समाज में बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज के लोगों की जागरूकता की वजह से, हमारे पुराने बुजुर्गों की वजह से, समाज की जो लाख समाज में जो लोग काम करते हैं उनकी वजह से बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में बहुत मात्रा में कम हुई। चाहे नुक्ता देख लो या बाल विवाह देख लें या शिक्षा में जो कमी थी वो, उसके मामले में लोग आगे आए हैं। लेकिन लगातार समाज में और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं उदाहरण देता हूँ एक समाज का, यादव समाज, हम लोगों में हमारे जिले में और भी जगह देखा मैंने पूरे देश प्रदेश में कि काफ़ी पहले पढ़ लिख करके और आगे आए, समझदार बने, और आज मैंने देखा कि उनके समाज में नौकरियों में, पैसे में, धंधे में वो लोग काफ़ी आगे हैं, संपन्न हैं। उनसे भी हम सब लोगों को सीखने की आज आवश्यकता है। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि हम लगातार समाज में सुधार के प्रयास और तेज करना होंगे, और समाज में क्या बेहतर हो सकता है, हम सबको मिलकर के समाज को और अन्य समाजों में भी जो अच्छे समाज में काम कर रहे हैं लोग, हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, समाज कोई बुरा नहीं होता है, हर समाज अच्छा है, और उन समाजों में जो अच्छाई हैं उन अच्छाइयों को हम सबको भी ग्रहण करना चाहिए। समाज के कई लोगों से हम लोगों को सीखना चाहिए, दूसरे समाज के लोगों से भी सीखना चाहिए। कई समाज आज बहुत तरक्की में है और मैं भी चाहता हूँ कि हमारा समाज भी और अन्य समाज से मिलजुल करके, उनसे तालमेल रख करके आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करें। हमारा समाज ऐसा समाज हो जिसे दूसरे समाज के लोग देख करके कह दें कि दांगी समाज का व्यक्ति है, अच्छा समाज है, अच्छे लोग हैं, अच्छे सोचते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ काम करें तब जाकर के हम लोग दूसरे समाजों में भी अपना विश्वास जमाएंगे, क्योंकि हम अकेला एक समाज से कुछ नहीं कर सकता। हम और अन्य समाजों में भी अपने समाज को सम्मानजनक स्थान दिलाने में हम लोग काम करें, राजनीतिक क्षेत्रों में भी जो जहाँ भी है वह काम करें और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी। जो भी व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ, ईमानदारी के साथ काम करता है तो निश्चित रूप से उसको मान सम्मान मिलता है, उसके समाज की भी इज्जत बढ़ती है और उसको लोग भी अप्रिशिएट करते हैं और लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो मैं ही चाहता हूँ हमारे सभी समाज बंधुओं से कि हम हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ मिलजुल करके काम करें, राजनीति में जो जहाँ भी हो प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है। और समाज में भी मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, समाज में भी कोई राजनीतिक द्वेषता नहीं रखे, कोई किसी भी दल में हो, लेकिन समाज में राजनीति नहीं ला, समाज के लिए राजनीति का उपयोग जरूर करें, समाज को आगे बढ़ाने में सब लोग मदद करें, लेकिन द्वेष भाव से समाज के अंदर राजनीति नहीं लाए, नहीं तो अन्यथा समाज को बड़ा नुकसान हो सकता है। आज ये ऐसा दौर है जिसके बारे में भी मुझे कहना पड़ेगा। वर्तमान जो आपदा का दौर है, इस आपदा में आज पूरी दुनिया
बहुत प्रत किया है, लेकिन इन सब से सबक लेकर हम आने वाले जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए इसकी शुरुआत हमें अपने से, अपने घर से, अपनी साफ सफाई को बेहतर करें, हमारे घर को स्वच्छ रखें, हमारे आसपास स्वच्छता हो, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा शहर स्वच्छ रहे, ऐसा हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। स्वच्छता उच्च हाइजीन हो और स्वच्छता की वजह से, खाली इसीलिए नहीं कि हम कोरोना से बचें, हम अपने जीवन में हमेशा ही स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे, स्वच्छ रहने की कोशिश करेंगे, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम खाली कोरोना ही नहीं, हम और अन्य बीमारियों से भी हमेशा, सर्दी हो, खांसी हो, टीबी हो, या और अन्य कई तरह की बीमारियां जो गंदगी की वजह से फैलती है, उन सब बीमारियों से भी हम हमेशा बचते रहेंगे। इसलिए स्वच्छता को हमेशा अपने जीवन में रखें, उतार के रखें, परिवार में रखें, समाज में रखें और आम जगह भी हमारे प्रयासों को हम लोग कैसे स्वच्छ रह सकते हैं इस संकट की घड़ी में, हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वच्छता हमारे जीवन में हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा बने, ये प्रयास हम सबको करना चाहिए ताकि हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और तभी हम लोग जाके आगे बढ़ेंगे। और इस अवसर पर एक बात और ये कहना चाहूँगा समाज के बंधुओं से कि इस समय निश्चित रूप से पूरे देश में, पूरे विश्व में वो संकट का दौर है और हम उन समाज के जो सक्षम लोग हैं, जो हर तरह से सक्षम है, उन सबको, हमारे उन जरूरतमंद भाई, चाहे किसी भी समाज के हों, गरीब हैं, कमजोर हैं, पीड़ित हैं, उनकी हम सब लोगों को इस अवसर पर जरूर मदद करना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में चाहे कोई भी हो, गरीब है, कमजोर है, हमें लगता है कि हमारा पड़ोस में कोई दुखी है, भूखे हैं या जरूरत है, तो हम सबको जो जिस लायक हो, हमारे समाज के सभी भाइयों को जो सक्षम है, उन सबको ऐसे लोगों की मदद इस संकट के समय जरूर करें। ज़्यादा जितनी हैसियत हमारी हो उतनी उनकी मदद करें, चाहे हम एक परिवार का भी जिम्मा लें, लेकिन हर हाल में हम सब लोगों को, समाज के लोगों को जितना संभव हो ऐसे गरीब परिवारों की जरूर मदद करें ताकि वो गरीब, ऐसे लोग ये कह सके कि दांगी समाज के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा एक समाज है जिन्होंने बहुत लोगों की इस आपदा की घड़ी में मदद की है। ये भी एक मेरा सुझाव है और मैं ये अपील करूँगा कि इस समय, इस संकट के समय में ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद लोगों की हम सब समाज के लोगों की जो भी मदद कर सकता है, चाहे एक परिवार की, दो परिवार की है, जो जिस ऐसे से ज़्यादा कर सकता है, ज़रूर हम अपने समाज में ये मदद करें और हम हमारे दूसरे भाइयों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि वो ऐसे जरूरतमंदों की आवश्यक, मतलब उनकी मदद की जाना चाहिए। ये ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। समाज को तत्कालीन सोच की जगह दूरगामी सोच की जरूरत है।
आज जो प्रयास करेंगे, मैंने पहले ही बताया था और अभी बता रहा हूं कि अभी हम जो प्रयास करेंगे उसके परिणाम धीरे धीरे आएंगे, लेकिन हम सब लोगों को दूरगामी सोच के साथ समाज के लिए काम करने की जरूरत है। और इस तरह का सोच हम रखें ताकि हमारा समाज में एक अच्छे परिणाम आ सके। दूरगामी सोच के साथ हम समाज के लिए काम करते रहें। हर नागरिक का योगदान राष्ट्र निर्माण में होता है। हम दलवृक्ष लोकतंत्र के नागरिक होने का गर्व रखते हैं। उस गर्व को बनाए रखने के लिए सामाजिक सद्भावना, भाईचारे को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को संयत विवेक के साथ पालन करने की आज आवश्यकता है। हमारा प्रयास ये हो, हम सभी धर्म, सभी समाज के लोगों के साथ एक अच्छा सद्भाव कायम रखें, तालमेल रहें, सर्वसर्व संभव की हम बात करें, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। तभी जाकर के हम एक अच्छे समाज, एक अच्छे नागरिक होने का और नागरिक कहलाएंगे। एक और बात मुझे याद आ रही, हमारे समाज में कई लोग बच्चे, कई बच्चे बाहर इंदौर है, भोपाल है, बड़े शहरों में, हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी पढ़ाई करें। ये क्या आ गया? हर माता पिता चाहता है कि हमारा बेटा बेटी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे लिखे, पढ़े लिखे। इसके लिए वो काफ़ी पैसा खर्च करके बड़े शहरों में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं हमें। कई बच्चे तो बहुत अच्छे पढ़ लिख करके जाते हैं, लेकिन कई बच्चे वहाँ पैसा खर्च करते हैं, अनाप शनाप गलत संगत में लग करके गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आपके माता पिता काफ़ी मेहनत करके, पैसा खर्च करके आपको पढ़ा लिखाएं, आप एक वो पढ़ाई में मन लगाएं, वो अच्छे से पढ़े लिखें और एक अच्छे लोगों का साथ रखकर, अच्छे लोगों का संगत करके आगे बढ़ें। अन्यथा आप यदि गलत रास्ते पे गए तो उसके परिणाम आपके लिए भी अच्छे नहीं होगा, परिवार के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए अच्छा होगा। इसलिए मेरे ये अनुरोध है कि जो लोग बच्चे अच्छे वहाँ पढ़ने गए हैं, पढ़ाई में मन लगाएं, और उनके परिवार से भी अनुरोध है कि वो भी अपने बच्चों का पूरी तरह उनका ख्याल रखें कि हमारा बच्चा किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, लिख रहा है, किस तरह की कहाँ किनके साथ है, किसके साथ संगत कर रहा है। ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अंत में मेरा ये अनुरोध है कि समय बहुत अलग तरीके का है जो हम देख रहे हैं कि हमें 1.5-2 महीना हो गया पूरे प्रदेश और देश में। इस समय जो स्थिति चल रही है, बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला है और बहुत कुछ नुकसान भी हम लोगों को हो रहा है। फिर भी मैंने अभी एक रतन टाटा ने जो एक संदेश दिया था उसको पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ये वर्ष जान जीने का वर्ष है, जान बचाने का वर्ष है, ना कि व्यापार व्यवसाय का है। इसलिए मैं इस अवसर पर समाज और सभी जो भी लोग हैं उनसे भी अपील करूंगा कि सबसे पहले हम अपने आप को सुरक्षित रखें। सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं
उनका पालन करें, जो गाइडलाइन है, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, साफ सुथरा रहें, हाथ धोएं, ये सब चीज़ों का हम लोगों को निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि इसी समय के लिए नहीं, ये जीवन में जो इस समय हम लोगों को जो निर्देश दे रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, वो जीवन में हमेशा, अब ऐसा लगता है हमेशा जीवन में इन सब बातों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उन सब चीज़ों को हम लोग जीवन में उतारें, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे समाज का निर्माण करें, कमजोर गरीब लोगों की मदद करें, हमारे समाज कैसा बेहतर हो सके, उन सब बातों पे काम करें। और जो बुराइयां समाज में आती है छोटी मोटी, उन सब बुराइयों को समाज के लोग बैठ करके मिल करके उनको दूर करने के लिए दूरगामी सोच के साथ हम प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और मैं ये मानता हूँ, मैंने अपने जीवन के 30-40 सालों में ये समाज सब का भी लंबे समय को देखा है, कई बुराइयाँ थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज में अभी उभरताएँ, अभी बुराइयाँ खत्म हो रही, और हमारा समाज लगातार तेजी के साथ निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा। समाज के लोग, युवा लोग भी बहुत पॉजिटिव सोच के साथ समाज में काम कर रहे हैं, कई लोग पढ़ लिख करके आगे जा रहे हैं, कई लोग नौकरियां कर रहे हैं, कई लोग व्यवसाय भी कर रहे हैं, व्यवसाय में भी काफ़ी है, लेकिन और भी समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आगे बढ़ने की, काम करने की। और जो समाज में आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, उसी से हमारे समाज की पहचान होती है। हम समाज में हमेशा अच्छा सोचें, अच्छे काम करें, पॉजिटिव सोच के साथ काम करें। हमें समाज में ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हमारे समाज को एक है कि समाज ने यह काम किया। हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत दिशा में जाते हैं, गलत काम करते हैं, उसकी वजह से समाज की बदनामी होती है, और समाज को कहते हैं ये समाज का आदमी है। इसलिए हमेशा हमारे समाज के लोगों से ये अपील करूँगा, हमेशा हम लोग पॉजिटिव सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ, ईमानदारी के साथ, जिस क्षेत्र में भी रहें, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, खेती बाड़ी हो, पढ़ाई लिखाई हो, या राजनीति हो, सब जगह यदि हम लोगों ने ईमानदारी के साथ काम किया, तो निश्चित रूप से मेरी ये मान्यता है कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं, वो ज़्यादा समय तक उस क्षेत्र में काम कर पाते हैं, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे खेती में हो। जहाँ अच्छी सोच के साथ, ईमानदारी के साथ लोग काम करेंगे, निश्चित रूप से समाज और भी लोग उसको पसंद करते हैं, और लंबे समय तक वही व्यक्ति टिक पाएगा जो अच्छे सोच और ईमानदारी के साथ अपना काम करेगा। निश्चित रूप से मेरा तो ये मान्यता है व्यक्तिगत, और मैं पुनः समाज के उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा समाज के लोग सबको तरक्की करें, सभी खुशहाल रहें, सभी सुखी रहें, और एक अच्छे समाज का हम लोग निर्माण करें। आज मुझे यह अवसर नांगी प्रभाव परिवार के द्वारा मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए मैं नांगी प्रभाव परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, और पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, और आप
लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सुथरा रहने की कोशिश करें ताकि आप स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ समाज, एक अच्छे समाज का आप निर्माण कर सकेंगे। ऐसी मेरी विचार है। आज आप सबसे मिला इसलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। कुछ आयत नहीं।